हेलो दोस्तों, टैली के इस सेशन में आपका स्वागत है। माय नेम इज नीरव दोषी। लास्ट टैली सेशन में हमने बताया था कि हाउ टू क्रिएट जीएसटी लेजर्स, एंड ये सेशन में हम सीखेंगे कि हाउ टू एंटर सेल्स एंड परचेस ट्रांजैक्शन विद जीएसटी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन के साथ। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में सीखा था, जीएसटी के सभी बेसिक लेजर्स हमने क्रिएट कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हाउ टू रिकॉर्ड अ परचेज ट्रांजेक्शन। अज्यूमिंग वी आर परचेजिंग 5 एयर कंडीशन ऑफ ₹20,000 ईच फ्रॉम अवर सप्लायर विच इज इन सेम स्टेट एंड द सप्लायर नेम इज जीवा, सो टोटल अमाउंटिंग टू ₹1,00,000 और उसके ऊपर 28% जीएसटी चार्ज किया है, और ये ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है इन टैली। सो प्रेस एंटर ऑन अकाउंटिंग वाउचर, उसके बाद प्रेस F9 टू रिकॉर्ड अ परचेस ट्रांजैक्शन। उसके बाद आपने जो डेट पे परचेस किया है, से फॉर एग्जांपल अगर आपका ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है ऑन 1st November, तो आप F2 प्रेस करके डेट चेंज कर दीजिए। उसके बाद आप सप्लायर इनवॉइस नंबर टाइप करें, सप्लायर इनवॉइस डेट। उसके बाद पार्टी नेम पे आप हमारे सप्लायर का नाम टाइप करें, विच इन अवर केस इज जीवा, और उसके बाद एंटर की प्रेस करें। उसके बाद प्रेस कंट्रोल A टू एक्सेप्ट द अदर डिफॉल्ट ऑप्शंस। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू चेक द जीएसटी नंबर ऑफ अवर सप्लायर बिफोर गोइंग फर्दर, सो हम एक बैक स्पेस में जाके बाई प्रेसिंग कंट्रोल एंटर ऑन द पार्टी नेम। सो यहां पे आप देख सकते हो कि उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप हमने बाय डिफॉल्ट रेगुलर ऑप्शन सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए। सो अगर मेंशन नहीं है तो हम टाइमिंग वो ऐड कर दे रहे हैं, और बाकी सब ऑप्शंस को बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करना है तो कंट्रोल A प्रेस कर दीजिए। उसके बाद अब परचेस लेजर में हमने जो लेजर ऑलरेडी क्रिएट किया था, विच वी हैव एक्सप्लेन्ड इन अवर लास्ट सेशन, तो अब परचेस 28% जीएसटी को सिलेक्ट करें। Classification/Nature, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है इन टैली टू रिकॉर्ड अ परचेज ट्रांजेक्शन। यू कैन सी द नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल फॉर द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। टैली भी आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि विच इज करेक्ट टू रिकॉर्ड अ परचेज ट्रांजेक्शन। सिंस वी आर परचेजिंग फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर, इसलिए हमारे लिए ये परचेज टैक्सेबल ऑप्शन में आएगा, सो इन दैट केस वी नीड टू टाइप परचेज टैक्सेबल एंड देन प्रेस एंटर। सिंस हमने एयर कंडीशन परचेज किया है, तो आप एयर कंडीशन पे एंटर प्रेस करें। उसके बाद क्वांटिटी में आप टाइप में 5 टाइप करें, और रेट में 20,000 टाइप करके आप एंटर की प्रेस करें। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू में आप टोटल ₹1,00,000 टाइप करें एंड देन प्रेस एंटर, और एक बार वापस एंटर प्रेस करें। और यहां पे सिंस वी हैव परचेज फ्रॉम द सेम स्टेट, तो हमें CGST और SGST चार्ज करना पड़ेगा, सो वी नीड टू मेंशन ओवर हियर CGST। आप देख सकते हो टैली ने ऑटोमेटिकली जो हमारा परचेज प्राइस है उसके ऊपर 14% कैलकुलेट कर लिया है। सिमिलरली वी नीड टू टाइप SGST। सो अगेन टैली ने ऑटोमेटिकली 14% कैलकुलेट कर लिया है, and then press Ctrl A to accept the entire transaction. In the above transaction, अगर हमने goods out of Maharashtra से purchase किया होता, तो हम IGST का ledger select करते और वो automatically 28% calculate कर लेता। तो चलिए अब सीखते हैं how to record a sales transaction. Suppose we are selling 5 air condition of ₹25,000 each to Mr. Dhyan. Assuming ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब आउटसाइड स्टेट ट्रांजेक्शन, और उसके ऊपर 28% जीएसटी हम चार्ज करेंगे, और ये ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है इन टैली। सो प्रेस एंटर ऑन अकाउंटिंग वाउचर, उसके बाद प्रेस F8 टू रिकॉर्ड अ सेल्स ट्रांजेक्शन। अगर आपको डेट चेंज करना है तो प्रेस F2। अज्यूमिंग वी आर सेलिंग ऑन 1st November, सो आप 1st November टाइप कर दीजिए। उसके बाद पार्टी नेम में
आप ध्यान का लेजर पे एंटर प्रेस करें। उसके बाद प्रेस कंट्रोल ए टू एक्सेप्ट द अदर डिफॉल्ट ऑप्शंस। जैसे कि हमने परचेस रिकॉर्ड के टाइम में बताया था कि इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू चेक द जीएसटी नंबर बिफोर गोइंग फर्दर, सो हम बैकस्पेस जाके कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं ये लेजर के सामने। और अगर सपोज हमने यहाँ पे जीएसटी नंबर अपडेट करना है तो हम यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रेस कंट्रोल ए, अगेन प्रेस कंट्रोल ए टू एक्सेप्ट द अदर डिफॉल्ट ऑप्शंस। और सेल्स लेजर में आप सेल्स 28% जीएसटी को एंटर मारें। अगेन यहां पे क्लासिफिकेशन स्लैश नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसी के हिसाब से आप अपना जीएसटी रिटर्न्स व्यू कर सकते हो इन टैली और वो अपलोड भी हो सकता है। जैसे कि टैली ने ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर दिया है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल में क्लासिफाई करना होगा, बिकॉज ये आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हो। तो आप यहाँ पे इंटरस्टेट सेल्स टाइप कर लीजिए, इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल पे एंटर प्रेस करें। उसके बाद आप सिंस एयर कंडीशन सेल कर रहे हो तो आप यहाँ पे एयर कंडीशन टाइप करें और एंटर प्रेस करें। और क्वांटिटी में आप 5 क्वांटिटी सेल कर रहे हो एट द रेट ऑफ 25,000। उसके बाद आप टैक्सेबल वैल्यू में 1,25,000 रुपीज टाइप करें और एंटर प्रेस करें और वापस और एक बार एंटर की प्रेस करें। सिंस हमारा ट्रांजैक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, विच इन अवर केस इज इन गुजरात, और हम महाराष्ट्र में है, तो आपको IGST चार्ज करना होगा। सो आप IGST के लेजर पे एंटर प्रेस करें। आप देख सकते हो टैली ने ऑटोमेटिकली जो बेसिक वैल्यू है उसके ऊपर 28% कैलकुलेट कर लिया है। और उसके बाद आप कंट्रोल ए प्रेस करें इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द अबाउ सेल्स ट्रांजेक्शन। इन अबाउ ट्रांजेक्शन अगर हमने गुड्स विद इन महाराष्ट्र सेल किया होता तो हम CGST 14% और SGST 14% का लेजर सिलेक्ट करते। That's it for this session. Next session में हम सीखेंगे कि how to view the various GST reports which are useful for filing GST returns. Thank you.